हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 देखने एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बाहुबली के बाद अगर मुझे किसी मूवी का इंतजार था तो वो है KGF, क्योंकि उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत मजा आया था देखने में। एक डिफरेंट सी स्टोरी लाइन है उसकी और जो एक्टिंग है उसमें यश की वो तो बस एंड है, तो बहुत मजा आने वाला है। टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक कर ली हैं, 12 बजे का हमारा शो है। आज फर्स्ट डे ऑफ रिलीज को ही हम जा रहे हैं देखने, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का क्रेज कितना है। मुझे तो एटलीस्ट है, बहुत ज्यादा आप लोगों का पता नहीं। तो जल्दी से आप चलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 12 बजे का शो है और घर में ही 11 बज चुके हैं, तो अगर और देर करीब तो शायद आधी मूवी हम मिस कर दें। शुरू का थोड़ा सा पार्ट मिस हो जाएगा, बट आई होप कि हम हीरो की एंट्री से पहले पहुंच जाएं। तो जल्दी से चलते हैं मॉल और फिर आपसे मैं वहीं मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाउसफुल था, कोई सीट जो है वो खाली नहीं थी, हाउसफुल था और
बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। यश की एक्टिंग जो कि रॉकी है मूवी में मेन जो लीड है हीरो, वो तो बस एंड थी और सिर्फ एक्शन नहीं था बल्कि उसने कॉमेडी जो डायलॉग्स थे वो भी बहुत मजे के थे, कॉमेडी डायलॉग्स थे वो भी बहुत मजे के थे। रवीना टंडन थी मूवी में और वो एक प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही है, उनके भी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी मूवी के अंदर। इसके अलावा संजय दत्त जो है वो विलन है, और विलन तो है लेकिन अगर संजय दत्त के और रोल से कंपेयर करें एज ए विलन जो उन्होंने और प्ले करे हैं दूसरी मूवीज में जैसे अग्निपथ में, सो उनके कंपैरिजन में संजय दत्त का ये वाला जो रोल था एज ए विलन वो थोड़ा हल्का लगा, मतलब इतना वो वैसा नहीं लगा जितना हमने देखा है पहले। तो ये थोड़ा सा शायद क्योंकि यश को जो है वो क्योंकि वो भी विलन ही विलन एज ए हीरो है तो उसको शायद ज्यादा हाईलाइट रखने के लिए उस संजय दत्त का थोड़ा सा रोल जो है वो डाउन था, लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया, अच्छी स्टोरी लाइन थी। और लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो थोड़ा सा जो है वो हाई था, मतलब उसकी पिच थोड़ी कम हो सकती थी, बहुत ज्यादा लाउड था, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा सर में भी दर्द होना शुरू हो गया था, वो थोड़ा कम हो सकता था। और दूसरा ये कि स्टोरी ऐसी थी कि आप पूरा टाइम उसे कनेक्टेड रह रहे थे और एक मिनट भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे। सो हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, आप जरूर जाएं और KGF 2 देखें जाकर। और फुल ऑन जो है वो फैमिली मूवी है, अगर आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाएं तो कोई मसला नहीं है। बहुत टाइम बाद एक कोई इंडियन मूवी आई है जो फैमिली मूवी हो और आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू KGF Chapter 2 के बारे में। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।